हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सांझा चूल्हा। आज मैं आप सबके लिए हैदराबादी पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं 300 ग्राम पनीर, एक बाउल पालक, आधा बाउल धनिया, 3 मीडियम साइज ऑनियन, 4 टमाटर, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2.5 चम्मच दही है, इसको मैंने विस्कर के साथ बीट कर लिया है, 2.5 चम्मच क्रीम, और मसाले लिए हैं मैंने 6 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कलियां हैं, और 2 इंच अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, दालचीनी, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी से भी कम चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच कसूरी मेथी। कढ़ाई गरम हो गई है, मैं अब इसमें 2.5 चम्मच ऑयल डालूंगी। मैंने बड़ा चम्मच लिया है और इसी चम्मच से ही मैंने दही और क्रीम को भी मेजर किया है। अब मैं सबसे पहले डालूंगी प्याज। प्याज के थोड़ा सा पकने के बाद अब मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल दूंगी। मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर जो है थोड़ा पक गया है, अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी।
अब जो हमारा मसाला है अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। मिक्सचर जो है हमारा तैयार हो गया है और अब इसको मैं ठंडा होने पर ग्राइंडर में पेस्ट बनाऊंगी। मिक्सचर का फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है और इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है और अब मैं इसमें डालूंगी 4 बड़े चम्मच ऑयल के। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, लौंग, दालचीनी। अब इन सब चीज़ों का ऑयल में फ्लेवर आ गया है तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। तीन हरी मिर्च मैंने पहले डाल ली थी और अब भी मैं 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें मिक्सचर का फाइन पेस्ट जो बनाया है वो डाल दूंगी। दो से 3 मिनट मैं इसको ऐसे भूनूंगी। मसाले को भूनते टाइम हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। दो से 3 मिनट मुझे भूनते हुए हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी दही। क्रीम और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी को 3 से 4 मिनट पकते हुए हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर।
हैदराबादी पनीर बनके तैयार है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला और कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हैदराबादी पनीर बनके तैयार है। आप मेरी रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लॉकडाउन में मेरी वीडियोस देख देख कर उनको ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।